ओके हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स लेट से हमें दिया हुआ है। हमने दो मेथड सीखे थे, एक तो सीखा था क्रैमर रूल। क्या कहता है क्रैमर रूल्स? इसे हमें मान लो तीन इक्वेशन दी हुई है इस तरह से, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल टू डी वन, इसी तरह से ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी वन डी थ्री। ये तीन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई इन थ्री वेरिएबल्स। तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप क्या निकालते हो बताओ, पहले क्या निकालेंगे सबसे पहले? डिटरमिनेंट। सबसे पहला निकालेंगे डेल्टा। वेरी गुड, डेल्टा या कभी कभी डी भी लिख देते हैं इसे, ठीक है? तो डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होता था याद है? ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोल देते हैं इसे, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है? ये निकाल लिया। अब हमारे पास केसेस आएंगे कि भाई या तो ये जीरो आ जाएगा या नॉन जीरो आएगा। तो ये निकालने के बाद फाइंड, मतलब ये पहला स्टेप हो गया, ये फाइंड करना है। फिर उसके बाद अब आपके दो केसेस बनेंगे, या तो भाई क्या होगा ये जीरो आ जाएगा या नॉन जीरो आएगा, और या फिर जीरो आ जाएगा। अच्छा, अगर नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब कौन से सॉल्यूशंस होंगे? कैसा होता था? कंसिस्टेंट होता था, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशंस। क्या होते थे? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होते थे याद है? Yes, sir. बताओ क्या होता था यूनिक सॉल्यूशंस? एक्स की वैल्यू क्या होती थी? डेल एक्स बाय डेल्टा, वाई होता था डेल वाई बाय डेल्टा, और जेड होता था डेल्टा जेड बाय डेल्टा, ठीक है? Yes, sir. और डेल्टा एक्स कैसे निकालना है, डेल्टा वाई डेल्टा जेड, सभी को पता बेटा कैसे निकालते हैं? फर्स्ट कॉलम को डी वन डी टू डी थ्री से चेंज कर दोगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, और सेकंड कॉलम को चेंज कर दोगे डी वन डी टू डी थ्री से तो डेल्टा वाई आ जाएगा, और डेल्टा जेड के लिए थर्ड कॉलम को चेंज कर दो, डेल्टा लिखा ही हुआ है, ठीक है? ये हो गया कंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब आता है अगर इफ आपका डेल्टा जीरो आ जाता है, अब इसमें दो केसेस बनेंगे फर्दर, क्या क्या बताओ? अगर डेल्टा जीरो आता है तो फिर क्या निकालेंगे? हाँ, फिर हम एक और फिर क्या निकालेंगे, अगर इफ ऐसा आने के बाद अगर आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये भी जीरो है तो कैसा सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, इनफाइनाइट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है? और अगर इफ वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई या डेल जेड इनमें से तीनों में से कोई भी एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है? क्लियर है? यस सर, ठीक है। फिर इसके बाद एक तो हो गया ये वाला हमारा, इसमें हो गया नॉन होमोजेनियस, मतलब जिसमें डी वन डी टू डी थ्री सारे जीरो नहीं है, लेकिन अगर राइट साइड पे जो डी वन डी टू डी थ्री कॉन्स्टेंट लिखे हुए अगर ये सारे जीरो हैं तो उसको बोलते थे हम होमोजेनियस, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, फॉर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके लिए क्या करते थे, कुछ ऐसा होता था, बस यही वाली इक्वेशन लिखी होंगी, बस राइट साइड पे आपका क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे एलिमेंट्स, जीरो होंगे, उसको बोलते थे होमोजेनियस। तो उसके लिए थोड़ा सा अलग याद रख लिया प्रोसेस क्या करते हैं। तो इसमें मान लो ऐसा आ गया, यहाँ पे दिया हुआ हमें सारे, लेट्स से जीरो दिए हमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ? डेल्टा निकालोगे। हाँ, डेल्टा अगर जीरो आ जाता है, अगर जीरो आ जाता है तो फिर क्या बोलेंगे, देन कैसे सॉल्यूशंस होंगे, देन नॉन जीरो, क्या होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है? नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, याद है ना? Yes. और इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता है देन क्या होगा, देन क्या होगा, कैसे सॉल्यूशंस होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, सारे जीरो, ठीक है? ये क्लियर है? Yes, sir. सभी को बताया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्स वाई जेड आपका सारे जीरो हैं, क्योंकि अगर मैं ऑब्वियसली बात है, देखो अगर मैं एक्स वाई और जेड को अगर जीरो रखता हूं तो आपका क्या आएगा, जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा इक्वेशन, तो वो तो सारे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? तो अगर डेल्टा जीरो आ रहा है तो नॉन जीरो होंगे सॉल्यूशन, अदरवाइज हम बोल देंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ, एक लेट्स से हमें क्वेश्चन बोला, इफ तीन इक्वेशन दी हुई, लेट्स से टू एक्स प्लस टू ए वाई, सभी लिख लो,
टू ए एक्स प्लस टू ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू जीरो। 2020 का जेई मेन का क्वेश्चन है। तो 2x plus 2ay plus az equal to 0 दिया हुआ है, और दूसरी क्वेश्चन है 2x plus 3by plus bz equal to 0, और लास्ट है 2x plus 4cy plus cz equal to 0। ये तीन दिए हुए क्वेश्चन। अच्छा, ये देखकर पता लग रहा है कौन सी कैसा है, होमोजेनस है या नॉन होमोजेनस है? कैसे है भाई? होमोजेनस, होमोजेनस सिस्टम, ठीक है। और बोल दिया, और क्या बोल दिया आगे? बोल दिया a बी सी आर नॉन जीरो, मतलब ए बी सी की वैल्यू जीरो नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट। और ये भी बोल दिया कि कोई इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट नंबर्स, ठीक है। हैज, और बोल दिया हैज कैसा सॉल्यूशन है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस हैं। तो आपको बताना है, देन पहला ऑप्शन है ए बी सी आर एन, किसमें होंगे, एपी में। अच्छा, एपी जीपी एचपी सभी को पता बेटा क्या होती है? यस सर, ठीक है। तो एक बोल दिया एपी में है, एक बोल दिया जीपी में है, और एक बोल दिया आर एन एचपी, और डी बोल दिया ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो। ये चार ऑप्शन दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताओ, क्या निकालें इसमें? डिटरमिनेंट, डेल्टा निकालो भाई, क्या आएगा बताओ, निकालो सारे सॉल्व करके, सॉल्व करो क्या आएगा, डेल्टा क्या आएगा, टू 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 थ्री बी, अच्छा टू ए होगा, थ्री बी और फोर सी, फिर आएगा ए बी एंड सी। अच्छा, डिटरमिनेंट, आपने अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम लगाकर डिटरमिनेंट को मैनिपुलेट करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे कि जब हम ओपन करें डिटरमिनेंट तो इजी हो जाए। वैसे तो अभी भी ओपन कर ही सकता हूं मैं, लेकिन अगर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाता हूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा रोज या कॉलम में जीरो आ जाए। तो आपने नोटिस करा कि फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे टू लिखे हुए हैं, तो अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकेंड रो माइनस कर दूं, और सेम टाइम पर सेकेंड रो में से सेकेंड रो में से क्या माइनस कर दें, आर थ्री, ये कर सकते हैं? Yes. अच्छा, इसमें एक चीज याद रखनी है, अब जैसे मैंने यहाँ पर दोनों स्टेप जो है, और रो या कॉलम ऑपरेशन जो लगाए वो एक ही स्टेप में लगा दिए, तो एक स्टेप में लगाने के लिए आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए जिसको आप चेंज कर रहे हो। जैसे आर वन को आपने चेंज किया, तो नेक्स्ट स्टेप में, जैसे आर टू आप लिख रहे हो, तो आर टू में आर वन को यूज नहीं करना, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो मैंने क्या करा, R1 में से R2 माइनस कर दिया और R2 में से R3 माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बता दो। अच्छा, इससे ये तो पता ना डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती ऐसे करने से, रो कॉलम ऑपरेशंस में, है ना? ठीक है, तो बता दो क्या आएगा, पहला आ जाएगा जीरो, दूसरा भी जीरो, तीसरा आएगा टू एज इट इज, फिर क्या आएगा टू ए माइनस थ्री बी, यहाँ पे आएगा थ्री बी माइनस फोर सी, फोर सी एज इट इज, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ए सी एज इट इज, यहाँ तक ठीक है? अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि अब तो इजीली ओपन हो जाएगा, क्यों? अच्छा, मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा इसे, एक्सपेंड अलोंग, कैसे एक्सपेंड करूंगा, सी वन फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि दो जीरो है तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो डेल्टा क्या आ गया, टू बाहर आएगा। अच्छा, टू कौन सा एलिमेंट है, ये ऑड वाला है, इवन वाला है, सम क्या आएगा, आई प्लस जे, ये हमारा एलिमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यानी कि थ्री वन इवन आएगा, तो प्लस ही आएगा इसका कोफैक्टर। तो टू बाहर लिखकर बता दो इसका कोफैक्टर कैसे लिखेंगे, ये चला गया, ये चला गया, क्या बचेगा, 2a minus 3b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, b minus c, राइट, और माइनस करना पड़ेगा, थ्री बी माइनस फोर सी इंटू में ए माइनस बी। चलो ओपन करते हैं, टू सबसे बाहर लिखा हुआ है मैंने, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, टू ए बी आएगा, माइनस का टू ए सी, माइनस का थ्री बी स्क्वायर, प्लस का थ्री बी सी, माइनस का थ्री बी ए, प्लस का साइन का ध्यान रखना, थ्री बी स्क्वायर, अगर गड़बड़ करूँ बता देना, 3b स्क्वायर और प्लस का होगा भाई 4ca और माइनस का 4cb, यहाँ तक ठीक है? ठीक है भाई, कुछ लाइक टर्म्स आ रही है क्या? Yes. कुछ लाइक टर्म्स हैं बताओ, 3b स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर तो वही कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी लाइक टर्म है, कितना बचेगा, माइनस का माइनस ab बचेगा, इनको भी उड़ा दो, फिर माइनस का 2ac और 4ca,
ये भी सेम है, तो प्लस का टू ए सी बचेगा, ठीक है, और माइनस का बी सी है ना, ठीक है, ये ठीक है, ये डेल्टा आ गया हमारा। अच्छा, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कैसे सॉल्यूशंस हैं इसके, नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, जीरो जीरो, इनफाइनाइट। तो डेल्टा की वैल्यू भाई जीरो रख दिया आपने, तो टू तो हटाई दो, क्या बचा, माइनस का ए बी माइनस का बी सी इक्वल टू टू ए सी, ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखकर हम क्या बोले, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अगर इन दोनों को प्लस बना देते हैं, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हाँ गड़बड़ी कर दी टू मैंने, ए सी माइनस का गड़बड़ी कर दी बी भाई, जब ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये तो माइनस टू ए सी होगा ना, ठीक है, और माइनस साइन सबका हटाकर क्या लिखते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, ये आ गया ना टू ए सी, ये आया ना, ठीक है। अब एपी के लिए, अगर ए बी सी, अब एपी, एपी के लिए ए बी सी अगर एपी में होते तो क्या होता, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है ना। अच्छा, अगर जीपी में होते तो, अगर ए बी सी जीपी में होते तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता, और एचपी के लिए क्या होता, एचपी के लिए क्या होता है बताओ भी, एचपी के लिए क्या होगा, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी, यही होता है ना, यानी कि टू अपॉन बी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी, या इसको ऐसे लिख सकते हो ए प्लस सी अपॉन ए सी, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू ए सी इक्वल टू बी टाइम्स ए प्लस सी, यही होता है ना, क्या ये सर, मैच कर रहा है, क्या ये मैच कर रहा है, सर, कर रहा है मैच, है ना, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सर, क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन था कि ए बी सी किसमें होंगे, एचपी में होंगे, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना था, क्लियर, ठीक है भाई, ठीक है। तो आपको बस वो जो मैंने कंडीशन लिखवाई बेटा वो सब याद होनी चाहिए, और थोड़ा सा डिटरमिनेंट को ध्यान से ओपन करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इतनी सारी टर्म्स होती हैं तो उसमें प्लस माइनस कहीं पे गड़बड़ हो जाता है, बस इस चीज का याद रखो, ठीक है, क्लियर है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन है, लेट्स से तीन नोट पे करना चाहिए क्वेश्चन, सर, हाँ बेटा थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे। यस सर, ठीक है, एपी जीपी एचपी की कंडीशन क्या है, सम कैसे निकालते हैं, नेट टर्म कैसे निकालते हैं, जो पढ़ा होगा ध्यान आ रहा है कुछ, 11th का सीक्वेंस सीरीज स्पेशल सीरीज, ये भूल गए डन हो या बिल्कुल भूल गए हो, याद है, सर, यस सर, एचपी तो मेरे ख्याल से तुम्हारा नहीं था सीबीएसई में, है ना, यस सर, हाँ तो ये याद रखो, बाकी कराऊंगा भी सीक्वेंस सीरीज जब रिवाइज तब और बताऊंगा, ठीक है, ओके नेक्स्ट है, लेट से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू वन, तीन इक्वेशन दी हुई है, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री जेड इक्वल्स टू एम, और लेट्स से फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू दिया हुआ डी, ऐसे दे दिया, ये तीन इक्वेशन दी हुई है, और हमें बोला है क्या, फाइंड फाइंड ये अलग क्या बेटा, वन है, वन वन, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू वन, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू एम, फोर एक्स प्लस फोर वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू डी, ठीक है। अब कहा है फाइंड ऑर्डर पेयर्स एम कॉमा डी, मतलब एम और डी की वैल्यू निकालनी है, और ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिनके लिए, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कैसा है, इनकंसिस्टेंट, तो पहले बता दो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, कैसा है, ठीक है, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, एम और डी ऑर्डर पेयर निकालने हैं, कितने होंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, लेट से फोर कॉमा सिक्स, सेकेंड दे रखा है बी ऑप्शन, थ्री कॉमा फोर, सी दे रखा है फोर कॉमा थ्री, एंड डी दे रखा है लेट से वन कॉमा जीरो, ठीक है, ये भी जेई मेन का है 2020 का, ठीक है, ये चार ऑर्डर पेयर दे रखे हैं हमें, और हमें बताना है कि किस वैल्यू कौन सी इनमें से सेटिस्फाई करेगी, फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, इनकंसिस्टेंट, तो आपको याद आ रहा होगा पहले तो हम क्या निकालते थे, इनकंसिस्टेंट के लिए कोई बताएगा, या नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती थी बताओ, डेल्टा सबसे पहले नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा तो क्या होता था, जीरो, है ना, और एंड साथ में एक्स, डेल्टा डेल्टा एक्स, डेल्टा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, या डेल्टा जेड में से,
वन ऑफ देम इज क्या होता था, नॉन जीरो होता था। अच्छा अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी कि डेल्टा एक्स, अच्छा डेल्टा एक्स से कुछ निकलेगा क्या? डेल्टा एक्स को अगर मैं जीरो रखता हूँ तो उससे तो कुछ नहीं निकलेगा ना, क्योंकि उसमें तो कोई कॉफी, उसमें तो सारे के सारे कॉन्स्टेंट है, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, तो वो तो जीरो अगर आई रहा होगा, चेक मतलब चेक भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि जब बोला है इसने तो आई रहा होगा और नन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमें अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को जीरो रख के सॉल्व करना है। तो मैं क्या तीनों को करूँ? ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले स्टार्ट तो करते हैं, डेल्टा एक्स को रखें जीरो। If if डेल्टा एक्स जीरो रखते हैं, डेल्टा एक्स अच्छा निकालते हैं पहले, जीरो रखना है नहीं रखना है, नॉट इक्वल टू रखेंगे वैसे तो हम क्या करते हैं डेल्टा एक्स निकालते हैं पहले, क्या आएगा चलो बताओ भाई क्या आएगा। डेल्टा एक्स किससे चेंज करेंगे? फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे, 1, m और d, फिर बाकी एज इज 2, 4, 4, 3, 3, 4 कोई सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर? करो सारे करो अपने नोटबुक में। मैं फर्स्ट फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1, 16 minus 12 minus 2, 4m minus 3d and plus 3, 4m minus 4d, ये आ गया मेरा, मेरा आ रहा है 4 minus 8m plus 60 plus 12m minus 12d, ये आ रहा है, सिंप्लीफाई करके आ गया 4 plus 4m और minus 60, ही आ रहा है। सबका यार है? Yes, sir. अब ये आ गया, अब ये आ गया हमारा आंसर। अब या तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, है ना, मतलब कंडीशन है हमारी कि इनमें से कोई ना कोई नॉन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा तो जीरो आ ही रहा है तो वहां से तो एम ओ डी नहीं निकलेगा। तो अब एक काम करते हैं, क्या करें, अब इनमें से ऑर्डर पेयर बताना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से, कि कौन सा नो सॉल्यूशन के लिए एम ओ डी की वैल्यू होगी। तो हमने एक काम करते हैं, जब ऑप्शन सारे के सारे दिए हुए हैं तो मैं एक बार सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, एम की वैल्यू बताओ, अगर मैं फोर्स एम और डी की वैल्यू 4, 6 पुट करूंगा तो क्या आएगा आंसर? 4, 6 के लिए 4 plus 4m minus 6d क्या आएगा सॉल्व करके? 4 plus 16 minus 36, ये आएगा ना भाई? Yes, तो क्या ये जीरो आ रहा है? No, sir. ठीक है, तो ये अगर जीरो नहीं आ रहा तो ये वाला यानी कि ऑर्डर पे ठीक है ना, यही है ना मतलब इसका? ठीक है, दूसरे के लिए लेकिन मतलब आंसर यही होगा। अच्छा 3, 4 के लिए चेक करो क्या आएगा, 4 plus 4m minus 6d, इसका क्या आएगा आंसर? ये आएगा 4 plus 12 minus 24, भाई इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है हमारा, अच्छा 16 आएगा, सॉरी नहीं 16 नहीं, ठीक तो है 4 plus 12 minus 24 आएगा ना, तो ये भी नॉन जीरो आ रहा है और ये भी नॉन जीरो आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? दो दो ऑर्डर पेयर आगे चेक करो, एक डिटरमिनेंट सही निकाला है, डेल्टा एक्स चेक करो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1, m, d, 2, 4, 4 और 3, अच्छा ये गड़बड़ होगी मेरे से यहाँ पर, ये जो सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है ना इसमें यार ये 3 की जगह 5 कर लो इसे, ठीक है यहाँ पे क्या कर लो 5 कर लो, तो क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस हो जाएंगे, एक बार दोबारा से कॉल कर लेते हैं, अब डेटमेंट ओपन करो जल्दी से क्या आएगा, हाँ अब एक इसका ओपन करो क्या आएगा, डेटमेंट ओपन करो क्या आएगा, 1 bar 16 minus 20, ठीक है, माइनस 2 bar क्या आएगा, 4, नेक्स्ट कितना आ गया, 2 गया, 4m minus 5d, और लास्ट का 3 bar 4m minus 4d, ठीक है भाई? Yes. ओपन करके क्या आ गया, 4 minus 8m plus 10d और प्लस का 12m और जी माइनस का 4d माइनस का 4 आएगा सर, माइनस का 4, ठीक है ठीक है, माइनस का 4 आएगा, और कितना m बचेगा हमारा, m बचेगा हमारा प्लस का 4m और माइनस का 2d, ये आ गया। अब कर लेते हैं क्या क्या, पहला पॉइंट क्या था हमारा, 4, 6, तो 4, 6 के लिए माइनस 4 plus 16 minus 12, क्या जीरो आ रहा है? आ रहा है इससे, तो भी इससे तो आपका डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अच्छा ऐसा हो सकता है
जब हमने सॉल्व करा तो डेल एक्स की वैल्यू अब निकाली, इससे हमने हमने चेक कर, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें ये देखना है कि वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए ना। तो हम क्या करें, सिर्फ डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले इन सब पॉइंटों से देख लेते हैं, अगर इनमें से ही जो चारों पॉइंट है डेल्टा एक्स की वैल्यू किसी एक से अगर नॉन जीरो आ गई तो फिर वही वाला पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर देगा, क्लियर है? मतलब लेकिन ये फुल प्रूफ यस मेथड नहीं यस है, मतलब सर। जो मैं कर रहा हूँ ये तो मैं टाइम बचाने के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा डेल जेड सारे के सारे या तो मैं निकालू, मान लो इससे हमने तीनों चारों पॉइंट लिए और चारों पॉइंट से जीरो आ गया तो फिर मुझे डेल्टा वाई को भी चेक करना पड़ेगा फिर चारों पॉइंट से, और फिर अगर वो भी सारे यस जीरो आए तो डेल्टा जेड को भी करना पड़ेगा, और यस कोई समझ में नहीं आ रहा मेथड, तो या तो इतना लेंदी करो, लेकिन अब हमारे पास लाइक अगर ऑप्शंस हैं तो यार टाइम बचाने के लिए मैं कुछ तो सोचूंगा ना, तो मैंने क्या करा 4 6 से चेक करा आगे जीरो, 3 4 से भी जल्दी से चेक करो क्या आएगा, जीरो आ रहा है। माइनस 4 प्लस ये भी 12 माइनस का भी 8 हाँ ये भी जीरो आ गया। लास्ट नेक्स्ट है 4 3, 4 3 से ट्राई करो, 4 3 से क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस का 16 माइनस का 12 नहीं माइनस का 9 है ना, 9 या 6 6 रहेगा माइनस का 6, तो इससे आ रहा है क्या जीरो, नहीं आ रहा ना, 6 आएगा 6 आएगा ना, तो प्लस का 6 बचा यानी जीरो नहीं आ रहा, तो डेल एक्स का मतलब जीरो नहीं आ रहा ना, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्या बोला था हमने कोई एक ऐसा लाइक वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए आपका डेल एक्स डेल वाई या डेल जेड भी से नॉन जीरो हो जाए, तो इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन के लिए वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो, तो अगर चारों पॉइंट से जीरो आ जाता तो मैं डेल वाई निकाल के चेक करता किससे आएगा या फिर डेल जेड निकाल के चेक करता, तो मेरा डेल एक्स से ही क्या हो गया पता लग गया मुझे कि इस वाले पॉइंट के लिए मेरा डेल एक्स क्या होगा नॉन जीरो होगा, अगर इसके लिए नॉन जीरो तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन के लिए ये पॉइंट मेरा क्या होगा आंसर होगा, क्लियर है? यहाँ तक आया बेटा सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, अच्छा बात है, मैट्रिक्स के कुछ स्पेशल टाइप हैं जो तुम्हारे सीबीएसई में तुमने शायद नहीं पढ़े होंगे, जैसे सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक बता दिया था कल मैंने? यस सर। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि अगर ट्रांसपोज करेंगे तो सेम आता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स में नेगेटिव आता है ट्रांसपोज करने पे, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सारे जीरो जीरो होते हैं। एक और चीज लिख लेना फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, कैसा ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर मतलब 3x3 वाला या 1x1, 1x1 तो सिंगल लाइक एक एलिमेंट ही होगा उसमें, तो 3x3 वाला मान लो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया ए है, तो देन जो ए का डिटरमिनेंट निकालोगे आप वो क्या आएगा जीरो आएगा, क्या आएगा जीरो आएगा, क्लियर है? अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक, हाँ बेटा ठीक है, यस सर। अच्छा एक बार 10 से भी चेक कर लो, 10 से लिखा कि अगर ऑड ऑर्डर का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने में क्या आएगा जीरो आएगा, ये याद रखना, मतलब वैसे तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव आता है, बट ये वाली बात भी याद रखनी है कि अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर का नहीं है, इवन ऑर्डर का है, मतलब 2x2 या 4x4, तो वैसे तो 4x4 वाले आएंगे नहीं, तो 2x2 वाले ऑर्डर का है तो फिर नहीं कहेंगे कि वो उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, ठीक है, क्लियर? तो ये लिख लेना, जैसे होता है ना, देखो अब आप खुद भी निकाल के वैसे चेक कर पाओगे कि भाई क्या आ रहा है, मान लो क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड, तो एक कोई भी आप 3x3 ऑर्डर का बनाकर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है, लेकिन फिर टाइम वेस्ट होगा, तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक होते ना कुछ कॉन्सेप्ट या जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या इम्पोर्टेंट कुछ होते ना रिजल्ट्स होते हैं वो याद रख लो, तो उसमें से एक ये हो गया, तो ये अपना नोट्स बनाकर इनको लर्न करो, बिकॉज बहुत ईजी चैप्टर है मैट्रिक्स स्टेटमेंट, पूरे पूरा लाइक मार्क्स आ जाते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, तो अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद हैं तो आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा अब आता है नेक्स्ट, अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो सभी को आता है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कंडीशन भी पता है, कंडीशन भी पता है कि अगर ए और बी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर इसका R1 C1 है ऑर्डर और इसका R2 C2 है तो फाइनल जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सी सी मैट्रिक्स अगर आता है वो होगा R1 क्रॉस C2 राइट, और कंडीशन क्या है, कंडीशन मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है कि C1 किसके इक्वल होना चाहिए R2, मतलब फर्स्ट वाले के जो कॉलम है उसके जो कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और इन जनरल आपका जो ए बी होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पर बी ए के इक्वल नहीं आता, ठीक है, जनरल इन जनरल, जैसे कोई बच्चा कहेगा अगर मैं कह दूं एग्जैक्टली पक्का ही नहीं आता तो फिर कोई बच्चा कह देगा कि ए आई सर आई ए के इक्वल होता है,
और आई भी एक मैट्रिक्स ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये तो इक्वल आते हैं। तो फिर यानी इन जनरल लिख दिया, मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, हो सकता है स्पेशल केसेस में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा अब कुछ मैट्रिक्स आते हैं जो आपको याद रखने, जो स्पेशल टाइप है, जो आपने सीबीएसई में नहीं पढ़े होंगे, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक पढ़ा था, और किसी भी मैट्रिक्स को मैंने बताया था, उसको ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, और ये कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा एक मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो एट द सेम टाइम सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा पॉसिबल है? कौन सा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जो होता है वही, वो दोनों है, सिमेट्रिक भी आपका और स्क्यू सिमेट्रिक भी, मतलब ट्रांसपोज करोगे सेम आ जाता है, और ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस ओके। अब आता है कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स, ये आपको याद रखने में स्पेशल मैट्रिक्स, और इनके लाइक अगर आपको याद है, पता है, तो फिर क्वेश्चन जो होंगे वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। स्पेशल मैट्रिक्स में पहला आता है आपका, जो याद रखना है आपको, इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैंने इफ ए का स्क्वायर करा और वो ए के इक्वल आ गया, अगर ए का स्क्वायर करा और वो किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। और इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए आई है, तो बताओ ए क्यूब कितना आएगा। अब मैं अगर पूछूं ए क्यूब क्या आएगा, भाई ए क्यूब आप कैसे करोगे, ए स्क्वायर इंटू ए, अच्छा ए स्क्वायर की वैल्यू आपने ए बोल दी है और फिर वो ए बन गया, मतलब सॉरी ए स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर आप कह रहे हो ए, तो यानी कि ए क्यूब भी ए आएगा। इसका मतलब ये हो गया, अब देन इसका मतलब ये हो गया कि ए की पावर अगर एन लिखता हूं मैं, तो वो ऑलवेज ए आएगी, लेकिन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या, कि एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो और इक्वल टू टू होना चाहिए, जीरो नहीं बेटा, ए की और वन नहीं, ए की पावर लाइक टू या टू से बड़ी, मतलब स्क्वायर करा तो ये आ गया, क्यूब करा तो ये आ गया, और एन क्या यहाँ पर नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes. तो अब कुछ ऐसे मैट्रिक्स, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताओ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, कुछ सॉल्व करा हमने, और फिर फाइनली हमें कंक्लूड करना होगा कि भाई ए स्क्वायर तो ए के ही इक्वल आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि इट इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। आगे जो क्वेश्चंस और आएंगे उसमें ऐसा होगा कि मान लो ए की पावर किसी मैट्रिक्स की पावर बहुत ज्यादा लिखी है, तो जब उसको हम सॉल्व करेंगे, तो अब सारी मान लो ए की पावर 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो अगर मुझे पता लग गया कि स्क्वायर करने पर ए आ गया, मतलब अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करा और ए आ गया, तो मुझे पता लग गया कि वो इडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। तो किसी इक्वेशन में या जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसमें मान लो ए की पावर 5, ए की 6 लिखी हुई है, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तब इसका एप्लीकेशन क्या आएगा, काम आएगा, करेंगे। सेकेंड है निलपोर्टेंट, निलपोर्टेंट मैट्रिक्स, जैसे निल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होता है, तो निलपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैंने इफ लेट से इफ ए की पावर हमने कुछ एम करी, मतलब स्क्वायर करा, क्यूब करा, बताया नहीं क्या करा, लेकिन वो जीरो आ गया, एंड उससे पहले वाली जो पावर थी, मतलब एम पावर, मतलब मान लो मैंने क्यूब करा, तो क्यूब करके जीरो आ गया, लेकिन जस्ट उससे पहले वाला स्क्वायर वाला जीरो नहीं था, क्या था, ये जीरो नहीं था, लेकिन मैंने जैसी ए की बार एम करी तो फिर जीरो आ गया, मतलब मैंने मान लो ए स्क्वायर करा नहीं आया, ए क्यूब कर दिया, अब जीरो आ गया, तो फिर उसको क्या कहेंगे, निलपोर्टेंट मैट्रिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, निलपोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड हो गया तुम्हारा, एक हो गया इडिम्पोर्टेंट, एक हो गया निलपोर्टेंट, एक होता है हमारा इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स होता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है, अगर इफ अगर ए का स्क्वायर कर दिया और वो आई के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया, तो अब कोई मुझे बताएगा अगर ए स्क्वायर करने पे आई के इक्वल आता है, तो ए के बारे में और उसके इनवर्स के बारे में क्या रिलेशन बोल सकता हूं मैं, सोचो, अगर ए स्क्वायर आई के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें पता है भाई ए को ए इनवर्स से करने पर आया आता है, या ए इनवर्स को ए से करने पर आया आता है,
तो इसका मतलब ये क्लियर नहीं हो गया कि ए अपने खुद ही का इनवर्स है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया इनवॉलंटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें इनवर्स करने पर ए अपने आप के इक्वल आ जाएगा, तो उसमें हम कह देंगे इनवॉलंटरी। तो इसकी दोनों बातें, ए इनवर्स ए के इक्वल, या आपने कहा कि ए स्क्वायर अगर आई के इक्वल आता है। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, तो अगर आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करा, अगर वो क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो क्या बोलेंगे, इट इंपॉर्टेंट। फिर उसकी कोई सी भी पावर कर लो वो हमेशा ही ए होगा। नील पोटेंट क्या हुआ, कुछ पावर, मतलब हमने ए स्क्वायर करा, ए क्यूब करा, जीरो नहीं आया, बट उसकी नेक्स्ट पावर करी अगर वो जीरो आ गया फिर तो नील पोटेंट हो गया, मतलब वो कहीं ना कहीं जाकर उसका जो मैट्रिक्स की पावर, जो पावर है वो जीरो हो रही होंगी। तो ये भी हमें हेल्प करेगा कई बार जब हायर पावर होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हायर पावर में क्या एम की वैल्यू, मतलब टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, तो उससे अगर जीरो आ जाता है तो वहां पर हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, उसकी और जो हायर पावर होंगी। मान लो ए की क्यूब अगर जीरो आता है, तो ए का अगर क्यूब जीरो आ रहा है, मतलब थ्री पावर करने पर जीरो आ रहा है, तो फिर ए की और सिक्स भी जीरो आएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया? Yes, आगे वाली पावर भी जीरो आएंगी, मतलब उससे आगे वाली पावर फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई? Yes, तो यहाँ पर तब काम आएगा, जैसे आपने करा ए क्यूब करा और ए क्यूब जीरो आ गया, अब आपको पता लग गया कि जो ए फोर होगा फिर तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मान लो ए जीरो नहीं था, ए स्क्वायर भी नल मैट्रिक्स नहीं था। अच्छा, जो मैं जीरो लिख रहा हूँ, जीरो नहीं, ये नल मैट्रिक्स है। क्या ये मैं जीरो जीरो बोल रहा हूँ, ये नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की जब पावर करते तो मैट्रिक्स ही आता है, नंबर नहीं आता, तो ये नल मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ए स्क्वायर करा, जीरो नहीं आया, लेकिन ए क्यूब कर दिया, तो मैट्रिक्स की अगर पावर थ्री कर दी और जीरो आ गया, तो मुझे पता लग गया अब हायर पावर फोर फाइव सिक्स जहां भी लिखा होगा वहां मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ए ए स्क्वायर जो छोटी पावर है, सिर्फ उन्हीं को लेकर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है? Yes, और इनवॉलंटरी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया जिसमें ए स्क्वायर अगर क्या आता है, आई के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो मैट्रिक्स है वो अपना ही क्या है, इनवर्स है। क्लियर? यस सर। हाँ हेमंत बेटा, मैंने अच्छा नोट्स मैंने अपलोड कर दिए थे लास्ट क्लास में, ये नहीं कर रहे थे मैं? नो सर, लास्ट क्लास के कल हुई थी ना तुम्हारी क्लास? यस सर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आज कर देता हूँ, दोनों कर देता हूँ, कल वाले भी और आज वाले भी। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। नेक्स्ट कौन कौन से करे हमने बताओ, तीन क्या थे, एक तो इनइंपॉर्टेंट करा हमने, निलपोर्टेंट और इनवॉलंटरी। क्लियर है तो तीनों? Yes, अब आता है फोर्थ। फोर्थ है एक ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स अगर इफ अगर मैं ए को उसके ट्रांसपोज के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं, ए को अगर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ए और ए का ट्रांसपोज आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, है ना? क्लियर है? Yes, sir. No, sir. और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ये कह सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपने ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, या फिर इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए इनवर्स के इक्वल अगर ऐसा है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखने कि ये वाले मैट्रिक्स जो मैं लिख रहा हूँ ये हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, तो अब क्वेश्चन में क्योंकि ना कंफ्यूज करके दे देता है, जैसे याद रखना है आपको क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या वन जीरो जीरो माइनस वन। अच्छा पहले मुझे एक चीज बताओ, इनवर्स बताओ जल्दी से, अगर मैं टू बाय टू वाले का एक इनवर्स निकालता हूं तो जल्दी से कैसे निकालूंगा, अगर मान लो लिखा हुआ है ए इनवर्स निकालना है और ए दिया हुआ है कुछ ऐसा ए बी सी डी, तो क्या आएगा, पहले डिटरमिनेंट ए निकालूंगा मैं, कितना आएगा डिटरमिनेंट ए, भाई जल्दी से बताओ, डिटरमिनेंट ए कितना आएगा, ए डी माइनस बी सी आएगा। ठीक है, जल्दी से कोफैक्टर बता दीजिए, सी वन वन सी वन टू सी टू वन और सी टू टू, क्या क्या आएंगे, सी वन वन कितना आएगा हमारा डी, सी वन टू कितना आएगा माइनस का सी, सी टू वन कितना आएगा माइनस का बी, और सी टू टू आएगा ए ए। ठीक है, और फिर आप एडजॉइंट निकालते हो, एडजॉइंट क्या होता है, ये जो आपने लिखे हैं इन्हीं का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो कोफैक्टर्स का, C D माइनस सी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, एडजॉइंट आ गया भाई हमारा, और D और A तो वहीं रहेंगे और C और B की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट? तो क्या हो जाएगा, यहां माइनस सी आ जाएगा और यहां पर माइनस बी, ये ठीक है, ठीक है, एडजॉइंट आ गया। yes, sir. अब एडजॉइंट लिखने के बाद आप इनवर्स याद होगा आपको कैसे लिखते थे, आप ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा,
तो ए इनवर्स क्या होता था, वन अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी कि वन अपॉन ए डी माइनस बी सी और एडजॉइंट, है ना। तो भाई ये याद कर लो कि अगर टू बाई टू वाले का आता है ए इनवर्स निकालना, तो डायरेक्टली पेपर में ये लिखोगे, तो ये मतलब याद हो जाना चाहिए, मेमोराइज कर लो इसे, कि डिटरमिनेंट आएगा वन अपॉन ए डी माइनस बी सी, और अब जो एडजॉइंट लिखोगे वो कैसे लिखोगे, बहुत ईजी है। क्या करना है, बी और सी जो लिखे हुए हैं उनकी पोजिशन चेंज नहीं करनी, उनकी जगह बस साइन चेंज कर दो उनकी, और जो ए और डी है उनको इंटरचेंज कर दो, साइन चेंज मत करो बस, ठीक है। ठीक है, ओके, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये टू बाई टू के लिए कि अगर आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा कि पहले कोफैक्टर निकाले, एडजॉइंट निकाला, ट्रांसपोज करा और फिर जाकर इनवर्स लिखा, क्योंकि एक एक दो दो मिनट बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मतलब टाइम बचाने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम ही अल्टीमेट लाइक वो है कि अगर आपने टाइम बचा लिया, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला पाओगे, ठीक है। ओके, यहां तक सभी को क्लियर है? तो हाँ, अब मैं बता रहा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने लिखा, एक लिख दिया मैंने वन जीरो जीरो माइनस वन, वन जीरो जीरो माइनस वन। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो बताना क्या आएगा, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो माइनस वन, और इसका ए इनवर्स भी बता दो जल्दी से क्या आएगा। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या था, वन अपॉन ए डी, ए डी आएगा माइनस का वन, माइनस का जीरो, और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, क्या करना है, बी और सी के तो साइन चेंज करने हैं, तो उस जीरो का तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ए और डी को इंटरचेंज कर देंगे, यही बोला था मैंने, ये इंटरचेंज कर दिया, और बाहर माइनस वन है, तो माइनस वन है तो पूरे मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबके साइन चेंज कर दो, वन जीरो जीरो माइनस वन। क्या वो ट्रांसपोज की इक्वल आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। यस सर, यस सर। ये तो मैंने चेक कराया है, लेकिन आपको क्या करना है भाई, ये मेमोराइज करना है कि हाँ भाई ये वाला मैट्रिक्स सर ने लिखा था, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ऐसा कहीं पर भी दिख जाए, मतलब इसको मेमोराइज कर लो कि ऐसा दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, चेक नहीं करना पेपर में, ठीक है। एक और मतलब जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, एक ऐसा होता है, एक और बी, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और लिखा होगा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अगर ऐसा लिखा आ जाता है तो भी क्या होगा, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसकी जगह वो कंफ्यूज करने के लिए पता क्या दे देगा तुम्हें, ये नहीं देगा, ये तो देखकर तुमने रट लिया, तो वो क्या करेगा, ऐसा दे देगा तुम्हें, यहां पर दे देगा वन बाय टू, यहां पर दे देगा रूट थ्री बाय टू, यहां पर दे देगा माइनस का रूट थ्री बाय टू, और यहां पे दे देगा वन बाय टू, ऐसा दे देगा। तो समझ में आ गया कि एंगल थीटा की वैल्यू उसने क्या, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या ले ली, 60 डिग्री लेकर, मतलब अल्फा तो कुछ भी हो सभी में बस सेम होना चाहिए, यहां पर ये सभी सेम होने चाहिए, चाहे अल्फा क्या हो हमारा, जीरो हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, तो वो क्या करेगा, ऐसे अल्फा ना देकर, एंगल ना देकर, कॉस साइन ना देकर आपको वैल्यूज दे देगा, ऐसे 1/2, रूट थ्री बाय टू, माइनस रूट थ्री बाय टू और 1/2। तो आपको देखकर ही समझ में आना चाहिए कि ये तो कॉस साइन की जो 60 डिग्री पर एंगल पे है सभी वैल्यूज वही लिखी हुई है। या और कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे देगा, 1/2 तो बाहर निकाल देगा और ऐसा दे देगा 1, रूट थ्री, माइनस रूट थ्री और 1, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो अब देखो क्या होगा, अगर आपको पता लग गया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, बस ट्रांसपोज करोगे आंसर आ जाएगा, समझना है? तो पूरा इनवर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो याद रखने, क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया इस पे, एक मान लो एक क्वेश्चन आ गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे, क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से हमें बोल दिया कि इफ इफ ए इक्वल टू कुछ ऐसा मैट्रिक्स दे दिया, जीरो टू बी सी, ए बी माइनस सी और ए माइनस बी और सी, ये मैट्रिक्स जो है इज ऑर्थोगोनल, क्या बोल दिया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बता ही दिया उसने, और कह रहा है कि फाइंड करो ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लॉजिक लगाएंगे इसमें बताओ, अगर इसने बोल दिया ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका ट्रांसपोज होगा वो ए इनवर्स के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट? यस। क्या अब क्या करें स्टार्ट कैसे करें बताओ, हमने पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, मैंने कहा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा ए इनवर्स थोड़ी ना निकालोगे, आपको ये समझ में आ रहा है, इनवर्स तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि थ्री बाय थ्री वाला है,
तो मैंने दो फॉर्मले बताए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, दो बातें बताई थी क्या, मैंने कहा था ए को अगर ए ट्रांसपोज से इनटू करेंगे तो आई आएगा, और दूसरी बात कही है कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल होगा, राइट, ये दो बातें बताइए। यस सर। अब जैसा जैसा तुम्हें कन्वीनियंट लगे वो वाला प्रॉपर्टी लगाओ, मतलब दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है या ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल है, ये दोनों सेम ही बात है, बट अब आपको जो कन्वीनियंट हो उससे सॉल्व करोगे। तो आपने देखा कि यार ए इनवर्स तो 3/3 वाले का बड़ा लेंथी वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो वो ना करके मैं क्या करता हूँ, जो पहले वाला लिखा हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्योंकि ए ट्रांसपोज निकालना बहुत ईजी है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखकर जो वैल्यूज होंगी वो निकाल लूंगा। तो जल्दी से मुझे बता दो इसका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, जीरो टू बी सी ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी, ये आ गया, और आप कह रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखना है। चलो करते हैं, क्या आएगा, ए क्या था हमारा, ए था 0 टू बी सी ए बी माइनस सी ए माइनस बी सी, और ये था 0 ए ए टू बी बी माइनस बी और सी माइनस सी सी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने मैट्रिक्स, चलो क्या करें बताओ, और ये किसकी को रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का होगा, 3/3 वाला ही होगा, राइट, यस सर, ठीक है भाई, स्टार्ट करो, बताओ क्या करें मल्टीप्लाई कैसे। सर फर्स्ट की रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये तो सभी को पता है, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो फर्स्ट रो जीरो आएगा, मतलब फर्स्ट वाला जीरो आएगा, फिर क्या आएगा, 4b2, राइट, 4b2 और c2 है ना, 4b2 प्लस c2, जस्ट जल्दी से नेक्स्ट बताओ क्या होगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बता दो क्या आएगा, 2b2 माइनस का सी स्क्वायर, राइट, ठीक है, नेक्स्ट का बता दो, नेक्स्ट नेक्स्ट 0 माइनस 2b2 और प्लस का सी स्क्वायर, राइट, यस, ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या आएगा, 2b2। अच्छा, इससे देख लेते हैं कि इससे हम एबीसी निकाल पाएंगे, तो हमने देखा फर्स्ट रो पूरा का पूरा जो आया तुम्हारा वो 100 के इक्वल होगा, तो यानी कि 4b2 प्लस सी स्क्वायर आप 1 रखोगे, 2b2 माइनस सी स्क्वायर को 0 रखोगे, ऐसे करोगे ना, ठीक है, तो आपने नोटिस करा कि b की वैल्यू c की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो आपने देखा ये तो कट ही गया, तो क्या आ गया, 6b2 = 1, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/6, तो b की वैल्यू तो आ गई प्लस माइनस का 1/√6, ये तो आ गया। चलो एक और निकाल लेते हैं, ए वाला ले लेते हैं, नेक्स्ट अब क्या लें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ए वाली टर्म आएगी क्या, एक बार चेक कर लो पहले, नहीं आएगी ना, नो सर, तो ये वाली टर्म लिखो ही मत, बेकार है, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपना, लाइक वो फिर जीरो रखूंगा कोई फायदा ही नहीं होगा उससे, क्योंकि मुझे तो अब ए निकालना है। अच्छा, बी आ गया तो सी भी निकल जाएगा ना, सी निकाल लोगे ना, यस सर, मैं कर नहीं रहा, मैं ए बता रहा हूँ, तो अब ए निकालने के लिए आप वो वाला रो और वो वाला कॉलम लो जिससे ए की वैल्यू आ जाए, क्योंकि अब बी सी दोनों पता लग गए, तो मैं बस एक कोई भी ले लेता हूँ, बताओ कौन सा लूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम ले लूँ, उसमें ए स्क्वायर आ जाएगा ना, यस सर, ए स्क्वायर ले लेता हूँ, बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 1 है, बी और सी निकाल चुके हो तो ए भी आ जाएगा, क्लियर है, यस सर। तो पेपर में बेटा यानी ये नहीं है कि मतलब क्वेश्चन आया तो अंधाधुंध बस करने ही बैठ गए, ठीक है ना, इस तरह से नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने बोला ना टाइम बहुत क्रिटिकल है, कि अगर आपने टाइम नहीं बचाया तो आते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर रिग्रेट होगा कि अरे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो और कराते, तो ये चीजें याद रखनी है कि भाई मैंने देखा पहला रो मैंने लिखा, तो पहले रो में जब तीन टर्म्स जो आई मेरी एलिमेंट्स जो आए 4b2 प्लस सी स्क्वायर 2b2 माइनस सी स्क्वायर माइनस 2b2 प्लस सी स्क्वायर, भाई उनमें सारे सिर्फ बी और सी वाली टर्म है, तो दो इक्वेशन ही बहुत है निकालने के लिए, तो दो इक्वेशन लेकर हमने बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल दी। फिर मैंने देखा कि मैं पूरा ओपन करूं, मैंने देखा यार ए निकालना है, तो ए अगर मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेता हूं उसमें तो नहीं आएगा, उसमें तो ए इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं, तो फिर मैंने वो वाला ले लिया रो और कॉलम जिससे मेरा ए आ जाए, तो कोई सा भी ले लो, मतलब ये नहीं कि ये लेना, कोई सा भी ले लो एक, अब बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्लियर है, यस सर, किसी को डाउट इसमें, नो सर, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ जैसे एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कल या नहीं बताई थी, सर एडजॉइंट की बतानी है, एडजॉइंट की बतानी है, मैंने किस किस की बता दी थी, एक बार चलो मैं लिख ही देता हूँ, ट्रांसपोज की बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही आएगा, ठीक है भाई, डबल ट्रांसपोज करने पे ए ही आएगा, और सर ए बी का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज को आप ऐसे लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, राइट, अच्छा, और अगर
ए बी अगर मल्टीप्लाई में और पूरे का ट्रांसपोज ओपन कर रहे तो उल्टा ओपन होता है, राइट, है ना? यस सर। और क्या बताया था, प्लस माइनस का बताया था शायद मैंने, कि अगर ऐसे कर रहे हो आप तो इसमें कुछ रिवर्स वगैरह नहीं होगा, वैसे वैसे रहेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो ये हमारी हो गई भाई ट्रांसपोज की, कुछ रहता नहीं कि हाँ बस ठीक है। और आइडेंटिटी अगर मैट्रिक्स का मैं बोल देता हूँ ट्रांसपोज करो तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं क्वाइट ऑब्वियस है कि हाँ भाई हो गई, मतलब अगर तुम्हें नहीं भी बताओ तो तुम करके देख सकते हो, सेम आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अच्छा इसका इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं किसी भी डायगनल एलिमेंट का मतलब डायगनल मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करता हूँ तो वही का वही आएगा या डिफरेंट आएगा? अगर कोई डायगनल मैट्रिक्स है जिसके डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो है बाकी सब जीरो है तो फिर उसका ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा? सेम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो डायगनल एलिमेंट वहीं के वहीं रहते हैं, वो हिलते भी नहीं वहीं से, है ना, बाकी बाकी जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट है किसकी, डिटरमिनेंट की कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, शॉर्ट में डिटरमिनेंट को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, डी ई टी, यही की बात है। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में आता है सबसे पहले, अगर मैं कहता हूं ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाला तो किसकी इक्वल आएगा? अगर ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा? ए ही आएगा, ए का डिटरमिनेंट आएगा, मतलब ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है? ठीक है, यस सर। सेकंड है अगर ए बी मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स और पूरे का डिटरमिनेंट ले रहे हो तो ए का डिटरमिनेंट अलग कर दो, बी का डिटरमिनेंट अलग कर दो, ऐसे अलग अलग, मतलब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों के अलग अलग डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और अच्छा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा तो बताएगा, इसका आएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट, क्या आएगा? वन डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का अगर हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर। इसको अगर मैं कहूँ प्रूव, मैंने जैसे बोला ना कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप खुद डेराइव कर सकते हो, देख सकते हो, पर लर्न कर लो तो ज्यादा बेटर है। जैसे आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है भाई, आई होता है, क्या अगर आपने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, ए इंटू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ले लिया, आई का डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट अलग, और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आता है, वन आता है, राइट? तो आपको समझ में आ गया कि डिटरमिनेंट जो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट मैंने लिखा है वन अपॉन डिटरमिनेंट है वो कहाँ से आया, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके नेक्स्ट, अच्छा अगर ऐसा लिखा है के इंटू डिटरमिनेंट ए, के इंटू ए और इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? अब के यहाँ पर क्या, कोई स्केलर है, और ये मैंने बोला नहीं भाई आराम से एक मिनट, के स्केलर है हमारा, और मैंने बोला कि जो ए है वो एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट उसी का निकलता है, और एन ऑर्डर का मतलब एन बाय एन वाला है, रो भी एन है और कॉलम भी एन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, के की पावर एन डिटरमिनेंट ही आएगा, ऐसे के बाहर नहीं आएगा भाई। अब ये के क्यू आर एन पता है क्यों आया, आपको पता होगा कि जब डिटरमिनेंट में हम कॉमन लेते थे तो किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन होता था, राइट, याद है? यस सर। लेकिन जब मैट्रिक्स में से कॉमन लेते थे तो सभी में से कॉमन आता था, है ना, याद है? यस सर। तो अगर मेरा, अगर मेरा के इंटू ए लिखा हुआ है तो पहले तो ए मैट्रिक्स था, स्केलर से आपने मल्टीप्लाई करा तो वो सब रो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अच्छा, लेकिन जब डिटरमिनेंट में से कॉमन लेंगे तो फिर तो एक एक में से कॉमन आएगा ना, तो अगर थ्री बाय थ्री वाला मैट्रिक्स है तो हर रो में से वो के कॉमन आ जाएगा, तो फिर जो डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तब क्या आएगा, के की पावर एन बाहर निकलेगी, क्लियर है? यस सर। तो ये ध्यान रखना है मैट्रिक्स नहीं है, अब हमने क्या कर दिया, के लिखकर डिटरमिनेंट ले लिया तो ऐसे आएगा, तो ये याद रखो, ठीक है। इसी में कुछ एडजॉइंट की भी लिख देता हूँ साथ साथ, एडजॉइंट की क्या है, पहला आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ए इनवर्स, तो पता ही है तुम्हें ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, प्रोवाइडेड कि डिटरमिनेंट ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको कैसा मैट्रिक्स बोलते हैं, ए इज कैसा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोल देते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर आपका डिटरमिनेंट ए जीरो होता है तो उसको बोलते हैं ए इज सिंगुलर, ये तो आपने पढ़ा होगा सभी ने, ठीक है भाई, पढ़ा हुआ सभी, यस सर, यस, ठीक है। नेक्स्ट है अगर एडजॉइंट ए का आपने डिटरमिनेंट लिया तो क्या आएगा, याद है किसी को प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ए की पावर
एन माइनस एन क्या यहाँ पर, एन यहाँ पर क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ठीक है। अच्छा लेकिन जो कुछ फॉर्मूले तुमने नहीं पढ़े होंगे इनसे डराई हो जाते हैं, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला ना पेपर में अगर आ जाएगा तो याद पहले से है तो इजीली कर पाओगे, लेकिन अगर याद नहीं है, अब जैसे ये वाले मैंने बेसिक लिख दिया, अब ये वाला मेरे ख्याल से नहीं था तुम्हारा एनसीईआरटी या कहीं पर दे नहीं रखा था, एक्स्ट्रा किसी बुक में पढ़ा तो पढ़ा होगा तुमने, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अगर कर रहे हो और इसका आंसर क्या आएगा, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट कर दिया तो क्या आएगा, ए की पावर डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू और इनटू में ये आएगा, ये लिख लो। अगर हमने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का सॉल्व किया तो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस टू और इनटू में ए, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अगर मैं इसी का डिटरमिनेंट भी कर दूं, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अब डिटरमिनेंट कर दिया, अब क्या आएगा बताओ, कोई बताएगा क्या आएगा? यह आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या आएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर, क्लियर है? यस सर। ओके, अब ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ये एट्थ और नाइन्थ, ये दोनों के दोनों जो मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं सारे के सारे, एडजॉइंट ए की वैल्यू का डिटरमिनेंट क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लिखा है फिफ्थ, यहीं से सारा डराइव हो जाएगा। जैसे फिफ्थ फॉर्मूला लिखा है ना, फिफ्थ फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए में से ए को रिप्लेस करके एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब जो जहां पर ए लिखा हुआ है उसको एडजॉइंट ए से अगर रिप्लेस करूंगा तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाएगा, तो वहां से ये डराइव करा हुआ है, तो वो सारे लाइक प्रोसेस में अभी डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हो सकते हैं सारे डराइव, लाइक अगर किसी को है कि समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है तो आप डराइव करके देख सकते हो, ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है, तो ये एट्थ हो गया, ये नाइन्थ हो गया, डराइव हो जाएंगे, ठीक है, पर अगर याद कर लिए तो बेटर है, क्योंकि पेपर में ना वो टाइम इतना नहीं होता कि आप डराइव करने बैठो, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, अगर ऐसे लिखा हुआ है एडजॉइंट ए इंटू बी, अब कैसे ओपन होगा एडजॉइंट, ये भी उल्टा ओपन होगा, एडजॉइंट बी आएगा पहले और इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉइंट स्केलर के है और इंटू मैट्रिक्स ए है, ऐसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या आएगा, के की पावर एन माइनस वन बाहर आ जाएगी और एडजॉइंट ए हो जाएगा, जिसमें के क्या है, कोई भी स्केलर रियल नंबर, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, और कौन सा रह गया, हाँ अगर एडजॉइंट ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, एडजॉइंट ले रहे हम किसका, ए ट्रांसपोज का, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए निकालकर पूरे का ट्रांसपोज, सेम रिजल्ट आएगा। एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका आई एन ही आता है प्लस सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो भी सेम बात है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, तो तुम्हारा 2019 में मेंस में क्वेश्चन है, इफ ए दिया हुआ है, मैं मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या, 5 2a 1 0 2 1 a 3 -1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बोल दिया इज द इनवर्स ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स बी, देन मतलब एक बी मैट्रिक्स है 3x3 वाले का, उसका इनवर्स है ए, मतलब बी इनवर्स बेसिकली ए के इक्वल है, देन द सम ऑफ ऑल, देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, जो ए अननोन है वेरिएबल ए, फॉर विच जिसके लिए डिटरमिनेंट, जिसके लिए डिटरमिनेंट बी प्लस वन इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, ये निकालना है, मतलब कुछ इक्वेशन बनेगी और उससे ए की जो वैल्यूज आ रही होंगी उनका सम करके बताना है कि क्या आएगा आंसर, कंडीशन दे दी कि डिटरमिनेंट बी प्लस वन क्या होना चाहिए, जीरो, सबसे पहले तो कंडीशन जो दी हुई है वो लिख लो, क्या है बताओ,
हमें बोला इसने कि जो ए है वो बी का क्या है, इनवर्स है, तो ऐसे लिख दूं ए इक्वल टू बी इनवर्स, ठीक है ठीक है भाई? यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है। अच्छा निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें डिटरमिनेंट बी निकालना है ना, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट बी प्लस वन, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करूं, अब डिटरमिनेंट बी जो है वो प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट बी कैसे निकालेंगे बताओ, अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लूं तो ऐसे आ जाएगा ना, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू बी इनवर्स का डिटरमिनेंट है ना ये, ठीक है? यस। अब तुम्हें पता होगा कि भाई ए का तो डिटरमिनेंट हम ऊपर से निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऊपर वाले का डिटरमिनेंट तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी तो दिया ही नहीं हुआ था, बी तो बस बोला था 3x3 एक मैट्रिक्स है, तो इस बी इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेरी गुड, 1 अपॉन डिटरमिनेंट बी लिखा जाएगा। तो इसका मतलब बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ए होगा, राइट? जब 1 बाय डिटरमिनेंट ए मतलब निकाल लेते हैं भाई क्या होगा, ऊपर से देखकर जल्दी से बताते जाओ क्या क्या आएगा। 5 भाग कैसे एक्सपेंड करें, फर्स्ट फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें या फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, कॉलम के लॉन्ग करते हैं क्योंकि एक जीरो है। यस सर। तो 5 भाग, 5 भाग आगे क्या आएगा, -2 -3, फिर जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये छोड़ ही दो। फिर लास्ट का जो एलिमेंट है ये जो ए लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो जो लास्ट मेरा एलिमेंट है दैट इज 3-1, तो 3-1 में ए हमारा इवन वाला लाइक आई प्लस जे करके 3-1 इवन आएगा, तो प्लस ही लिखेंगे, और क्या आएगा वो फैक्टर बता दो क्या आएगा इसका, 2a-2, 2a-2 राइट, ये आएगा। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, बी का डिटरमिनेंट आ गया, कितना आया सॉल्व कर दो, 1 अपॉन कितना आएगा -5, 5 माइनस का 25 और प्लस का 2a² माइनस का 4, ये आ गया हमारा B का डिटरमिनेंट। और उसने क्वेश्चन क्या बोला था, उसने क्वेश्चन में बोला था B का डिटरमिनेंट प्लस 1 का 2 हो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ भाई, लास्ट में आपका ये क्या आएगा, माइनस का 2a आएगा, ठीक है, ये आ गया डिटरमिनेंट B, और इसने बोला था डिटरमिनेंट B प्लस 1 आपका 0 है, उसे बस सॉल्व करना था, मतलब इसमें प्रॉपर्टी लगा दी हमने कि B इनवर्स सॉल्व करने नहीं बैठना, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लो और इस तरह से प्रॉपर्टी लगा दी। तो डिटरमिनेंट B की वैल्यू पुट कर दो, क्या है हमारी, 1 अपॉन -25 प्लस 2a² माइनस का 2a, आप कह रहे हो प्लस 1 इक्वल टू 0, एलसीएम ले लो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस का 25 प्लस का 2a² माइनस 2a डिवाइड बाय -25 प्लस 2a² माइनस 2a इक्वल टू 0, ठीक है भाई? तो इसका मतलब डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा, न्यूमिनेटर ही 0 होगा, तो क्या है आंसर, 2a² माइनस का 2a प्लस का या माइनस का 24, माइनस का, -24 इक्वल टू 0, भाई 2 कॉमन है सब में से है ना, a² माइनस ए माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या आएंगे इसके, तो वो बन गई क्वाड्रेटिक बन गई, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, एक वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगा, 4 और 3, यस 4 और 3 या -3, माइनस का 3, a-4 a+3 आएगा फैक्टराइज करके, तो फिर a की वैल्यू या तो 4 होगी या a की वैल्यू -4 आएगा, -4 नहीं यार, नहीं, देखो फैक्टराइज करके ये आएगा, लेकिन जब 0 रखोगे तो एक वाली 4 ही आएगी भाई, यस सर, यस, ठीक है। हाँ, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, जैसे मैंने तो लिख दिया ना जल्दी से, कई बार क्या होता है गड़बड़ हो जाती है, हमने फैक्टराइज करा था a-4 a+3, लेकिन वैल्यूज में हमने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, मतलब -4 ही लिख दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा है a-4 आएगा फैक्टर करके, तो हमने a की वैल्यू भी -4 लिख दी, लेकिन जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इतनी जल्दी मत करना, आराम से कर लो बेशक से, ठीक है। तो a की वैल्यू 4 और a की वैल्यू -3, उसने बोला था इनका सम बता दो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए, तो भाई ए की और वैल्यूज तो आई नहीं, तो बस 4 और -3 को ऐड करना है, कितना हो गया, ठीक है, इजी था, यस सर, सभी को आया समझ में आ तक, यस सर, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन है, यहां तक बेटा किसी को डाउट पूछो, अगर पूछे तो क्लियर है यहां तक, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन आ गया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0202 या 00, और क्या बोल दिया कि भाई एंड ऐसे बोल दिया a+i की होल पावर दे दी, क्या 100 दे दिया, जो मैं बोल रहा था पावर ज्यादा आ जाएंगी, फिर उसमें वो वाले जो मैंने इनवॉलेंट्री इड इम्पोर्टेंट निल पोर्टेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो सारे बताए थे, उनका कॉन्सेप्ट लगेगा, माइनस का 100a इज इक्वल टू बोल दिया किसके इक्वल है, xyzw इसके इक्वल है, ऐसे बोल दिया,
और बोला है कि फाइंड करो, फाइंड करो क्या, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इनका सम फाइंड करना है, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है बेसिकली, तो आंसर आ जाएगा। तो निकालने के लिए अब आपको पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करनी है, क्योंकि राइट साइड में तो अननोन है सारे के सारे, पता ही नहीं है, तो लेफ्ट साइड को ही सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड आप सॉल्व करोगे भाई, क्या लिखी हुई है, ए प्लस आई की पावर 100। अच्छा 100 जो पावर है वो तो पहले ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए पता है, चलो मैं क्या करें क्या करें, या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले ए प्लस आई कर ही लेते हैं, कितना आएगा भाई ए प्लस आई बताओ। हाँ भाई ए प्लस आई कितना आएगा, 1 2 1 2 0 1 है ना, yes। अच्छा इसकी पावर करनी 100, तो एक काम करो इसको मैं b मान देता हूँ भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, b की पावर 100 माइनस 100 a इज इक्वल टू जो दिया हुआ था, ठीक है। एक बार इस b का करना, पावर करना, स्क्वायर करना, क्या आएगा 0 1। चलो करो क्या आएगा, कितना आया, पहला क्या आएगा 1 आएगा, फिर नेक्स्ट 2 प्लस 2 प्लस 2 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा भाई, 0 0। नेक्स्ट आएगा आपका 0, और फिर नेक्स्ट 1 नेक्स्ट आएगा 1 आएगा भाई। ये तो हमारा जो पहले लिखा था वैसा ही कुछ बन गया है ना, ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा होगा, अब नेक्स्ट पावर अगर करते हो और पावर करोगे तब भी ऐसा ही होगा, तो अभी ये बाकी में से कोई जीरो होगा ही नहीं, मतलब ये वाला होगा, तो यानी कि फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था स्क्वायर करने पर शायद कुछ हमें पता लग जाए कि भाई क्या आ रहा है, या एक और चलो पावर कर लो, क्या आएगा, क्यूब कर लो, क्या आएगा 1 4 0 1, क्या आएगा क्यूब कर रहे, तो एक और बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आया 1 0 क्या था 2 1। चलो करो क्या आएगा, क्या आया हमारा पहला 1 ही आएगा, फिर दोबारा फिर आएगा हमारा नेक्स्ट 2 प्लस 4 6 आएगा, है ना, फिर 0 आएगा 0, और फिर लास्ट क्या आएगा 1 1, है ना। अच्छा आपने नोटिस करा हो क्या रहा है, पहले यहाँ पर 2 था, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, हाँ ये तो यानी कि हाँ 2 के मल्टीपल चल रहे हैं ना, राइट, ऐसे चल रहा है। तो b के बार 100 में क्या आएगा, ये बात पता लग गई, फिर क्या आएगा भाई बता दो, क्या आएगा b के 100 में, फिर अच्छा 3 तक हमने कर लिया, 1 2 चल रहा था, 4 चल रहा था, 6 आ गया, बाकी सब एज इट इज रहते हैं, वो चेंज ही नहीं होते। पर इसको इंश्योर करने के लिए कि भाई नेक्स्ट वाला भी 8 आ रहा है, भाई 2 का मल्टीपल आ रहा है, एक बार और चेक कर लो, एक बार b4 भी निकालो लास्ट, जल्दी से कंफर्म हो जाएगा। कभी कभी होता है ना माइंड में डाउट रह जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये भी कर लिया 1 2 0 1। चलो क्या आएगा बताओ, हमारा यही था ना बी, तो 1 ठीक है, 1 बोल लो क्या आएगा नेक्स्ट, 2 प्लस 6 8 आ रहा है ना, यस सर, तो ये कंफर्म हो गया भाई। अच्छा कंफर्म क्या हो गया, देखो क्या कंफर्म हो गया, ये क्या है आपका 2 का कौन सा मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल है ना, यस सर। तो जब पावर 4 है तो फोर्थ मल्टीपल है, 3 थी तो 3 मल्टीपल था, और यहाँ पर सेकंड मल्टीपल था, और यहाँ पर फर्स्ट मल्टीपल, तो यानी कि जब b की पावर क्या निकाली, b की पावर 100 निकालना, तो क्या आएगा 1 0 1, और यहाँ पे कितना आएगा 200, ठीक है भाई, ठीक है खत्म हो गया। तो अभी यानी कि मैंने क्या बोला था, याद है, या तो मैंने बोला था उन मैट्रिक्स में से कुछ बन जाएगा, a आ जाएगा स्क्वायर करके, या फिर क्या होगा 0 आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, पर ऐसा कुछ बना नहीं। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि जब हायर पावर होगी ना, तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बन रहा होगा। तो मतलब माइंड में हमेशा ये याद रखना कि इस चीज को, कि जब भी हायर पावर होगी मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, 0 आ जाएगा या सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, कुछ ऐसा पक्का होगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे को लाइक कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, पक्का होगा, क्योंकि नहीं तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। 5 6 वाली पावर भी आ जाती है तो वो भी क्या होगी, सॉल्व नहीं करने से, ठीक है, कहीं सोचो कि चलो 5 या 6 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न पक्का वाला देंगे, ऐसा ही क्वेश्चन देंगे। तो अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्या था, बी के आर 100 माइनस 100 है, तो अब तो मैं कर सकता हूँ ना, बी के आर 100 माइनस 100 है भाई, बी के आर 100 तो आ चुका है 1 0 2 100 1, और माइनस 100 टाइम्स ए, ए क्या था, ए था भाई मेरा क्या, 0 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है बस कर दो 1 200 0 1, ये क्या हो जाएगा 0 200 0 0,
तो क्या आ गया आंसर, वही वन आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया और वन, है ना, ये आ गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन गया। यस सर। तो भाई और ये इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया सॉल्व। यस सर। यस सर। क्या ये टू आएगा खत्म, ठीक है। यस सर। अच्छा कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये जो a प्लस आई की पावर 100 लिखी हुई है, मतलब ऐसे नहीं कि a की तरीका होता है, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे लिखा है बुक में लिखा हुआ है तुम वैसे ही करोगे, भाई तुम्हारे माइंड किसी तरह से भी सोच सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड करने से फायदा क्या होता है ना, मतलब अगर लाइक जैसे अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि भाई ऐसे कर लिया ऐसे कर लिया, तो दो तीन तरह से करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया कि भाई इस वाले टाइप के क्वेश्चन का एक ईजी मेथड इन तीन में से ये होता है। तो पेपर में अगर वैसा कुछ आया, मतलब अगर डिफरेंट आया तो फिर तो कुछ एक्सपेरिमेंट ही करोगे, लगाओगे दिमाग, लेकिन अगर आपने देखा हुआ है या आपको पहले से पता है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस करने से इंप्रूव आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है, तो वो यही रीजन है कि जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तो दो तीन मेथड से मुझे पता लग गया कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो मुझे पता है कि इस मेथड से इजी था, तो मैं पेपर में बाकी एक्सपेरिमेंट नहीं करने बैठूंगा, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है ना, गलत तरीका अपना लेते हैं, आंसर उससे भी आ जाता है पर क्या होता है बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी है, क्लियर है। यस सर। मतलब तुम्हें गट फीलिंग आ रही हो ना सबसे पहले कि भाई इस क्वेश्चन को देखकर गट फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई समझ में आ गया कि क्या करना है, उसको स्टार्ट करो, बाकी को पहले अटेम्प्ट ही मत करो। तो जो जो आपको देखती पता लग रहा है कि हाँ भाई क्या करना है इसमें, उसको स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन में पता लग रहा था कि अभी ठीक है आता है, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि यार इसमें ज्यादा टाइम जा रहा है और निकल नहीं रहा आंसर प्रॉपर, कुछ मिस्टेक भी नहीं मिल रही है, क्या हो गए, तो उसको क्या करो छोड़ दो। मतलब ईगो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि भाई एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगाने का तुम्हें लगे कि चलो अब तो 10 मिनट और लगाऊंगा मैं इस पर करके ही रहूंगा, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई बाइनोमियल थ्योरम x + y की पावर 100 ओपन कर सकता हूं ना मैं इसे। यस सर। तो भाई क्या आएगा 100 c0 याद है ना फार्मूला, a की पावर 100, 100 c1, a की पावर 99 और साथ में i आएगा, ऐसे चलता रहेगा ना, 100 c2 a की पावर 98 i स्क्वायर चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा सेकंड लास्ट टर्म क्या आएगी 100 c99 और a एक आएगा और i की पावर 99 होगी और लास्ट आएगा 100 c100 भाई i की पावर 100 ये आएगा, राइट। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे जब a गिवन था ना तो उसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसका कोई ना कोई पावर, ये ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी कोई ना कोई पावर जीरो हो जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, दिख रहा है कौन सा मैट्रिक्स होता था, याद है निल पोटेंट, याद है किसी को भाई निल पोटेंट ऐसा मैट्रिक्स होता था कि a की कोई पावर करने पर जीरो आता था, मतलब नल मैट्रिक्स आता था और उससे पहले वाला नल मैट्रिक्स नहीं होता। तो आपको दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार 2 जीरो या 3 जीरो दिख रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता है, फिर आइडिया कि भाई मल्टीप्लाई करने पे शायद ए स्क्वायर या ए क्यूब नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा इतनी बड़ी पावर वो सॉल्व करने के लिए ऐसा देगा ही नहीं, तो पक्का जीरो आ रहा होगा देखो, क्योंकि ए की और 100 ए की 99 या फिर ए आ रहा होगा ऐसे। तो एक अगर मैंने स्क्वायर निकाला तो देखो क्या आएगा, 0200 था तो क्या आया 0200 सॉल्व किया तो क्या आ गया 00। फिर नेक्स्ट भी क्या आएगा 00, फिर 00 दिख गया नल मैट्रिक्स आ गया। तो भाई अगर ए स्क्वायर जीरो नल मैट्रिक्स आ गया तो आपको ये पता लग गया ए की पावर 2 प्लस जो भी होंगी 3 होगा 4 होगा ये सारी के सारे जीरो आएंगे, राइट, नल मैट्रिक्स आएंगे मतलब, है ना। तो फिर क्या हो गया, फिर तो भाई ये सारे के सारे गायब कर दो, ये सारे के सारे गायब कर दो, है ना। तो क्या बचा बस लास्ट में, यही बचा ना, है ना भाई, क्या बचा हमारा 100 सी 100 आई की पावर 100। तो भाई इससे भी इजी हो गया, कोई बहुत मुश्किल नहीं था ये वाला भी। तो 100 सी 100 आपको पता है वन ही होता है भाई, 100 सी 0 और 100 सी 100 वन ही होते हैं, एन सी एन एन सी 0 वन और आई आ गया, और आई की पावर आपको ये भी पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर कर दो क्या आता है आंसर, वन ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आया आएगा। और आई आ रहा था ना याद है तुम्हें, हमारा लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा था, याद है ये रहा। तो दोनों तरह से आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा या उससे आ जाएगा, उससे आ जाएगा इससे नहीं आएगा, तो ये आपको दिमाग लगाना है। अब ये मैंने इसलिए करके दिखाया है, मतलब मैंने पहले वाला करके दिखा दिया, फिर मुझे आइडिया लग गया था कि भाई ए ऐसा दिया हुआ है कि शायद स्क्वायर क्यूब करने पे वो जीरो नल मैट्रिक्स ही आएंगे और पावर 100 तो ऐसे ओपन कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम लगाकर, तो इससे भी आ गया आंसर। तो ये मैंने जानबूझ में करके दिखाया कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो रटना नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करते हैं घर पे या सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, सर ने क्या लिखा था, बुक में क्या लिखा था, किसी ने क्या बताया था, हमारा माइंडसेट वहीं चलता रहता है। तो उससे क्या होता है ना, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आपने रट रखा है तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपने रटा नहीं हुआ और आपने देखा नहीं हुआ क्वेश्चन तो आपका माइंड क्या करेगा, ब्लैंक हो जाएगा, बिल्कुल चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका तो माइंड वही जो सॉल्यूशन लिखे हुए थे या जिस तरह से करा था उसी पर चल रहा है,
तो हम क्या होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे कि भाई करना क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो स्किल्स अगर इंप्रूव करनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। Yes, सभी को आया समझ में? Yes, sir. चलो मैं दोनों की दोनों कल वाली और आज वाली फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, सारे देख कर प्रैक्टिस करो, इन्हीं को बेशक से दोबारा करो प्रैक्टिस करके, और सारे के सारे जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है उनको लर्न करके खुद लिखो नोट्स की तरह से। ठीक है, वो लास्ट में काम आती है। पता क्या होता है, जो मैंने लिखा है मैं तुम्हें कह देता कि मैं सर नोट्स बनाकर तुम्हें अपलोड ही कर दूंगा फॉर्मले सारे, तो उसमें क्या होता है सारी बातें नहीं लिखी जाती, कुछ जो बातें डिस्कशन होते हैं, जैसे मैंने आज क्लास ली तो उसमें डिस्कस कर ली। तो खुद जब लिखोगे अपने नोट्स तो तुम अपने लाइक जो तुम्हें समझ में आता है, जिस तरह से स्टार बनाकर या इंपॉर्टेंट लिखकर या कुछ एक एक प्रॉपर्टी लिख दी उसके साथ और क्या कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक बात लिखी कि ए ट्रांसपोज इनटू ए करके आ जाता है, फिर मैंने कह दिया ए अगर ए इनवर्स के इक्वल होता है वो भी सेम बात है। तो ये चीजें अपने आप लिखोगे तब याद रहेंगे तुम्हें। ठीक है, यस सर। थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सर।